हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में आपको चाणक्य द्वारा बताए गए ऐसे तीन व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल अमेज ज्ञान पर नए हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर दबाइए, हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हमारे परिवार वालों ने हमें बचपन से यही सिखाया है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमारे समाज में किसी की मदद करने को एक अच्छे संस्कार के रूप में जाना जाता है। और अगर किसी को हमारी मदद चाहिए होती है तो हम बिना कारण जाने उसकी जल्दी से मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति की मदद करने से पहले उसके व्यवहार के बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने श्लोक के द्वारा हमें समझाया है कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और किस व्यक्ति की मदद करने से हमें खतरा हो सकता है। चाणक्य जी ने कहा है, हमें लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इन तीन लोगों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। चाहे ये लोग आपसे कितनी भी मदद मांगे, आपको इनकी मदद कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन तीन लोगों की मदद करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन तीन लोगों के बारे में जिनकी मदद करने से आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। पहला, चाणक्य जी के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति की मदद करना ही एक बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम है। एक मूर्ख व्यक्ति अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है और उन्हें सुधारने की कोशिश भी नहीं करता है। अगर आप चाहें उस मूर्ख व्यक्ति की कितनी भी मदद कीजिएगा, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण वो व्यक्ति उसी जगह पर दोबारा आ जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। तो इसलिए आपको एक मूर्ख व्यक्ति की मदद कभी नहीं करनी चाहिए, इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। दूसरा, वैसे तो आप किसी भी स्त्री को मुसीबत में देखें तो आपको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आप किसी ऐसी स्त्री को मुसीबत में देखें जिनका काम ही मुसीबत में फंसना है, जो स्त्री खुद बुरे काम करके मुसीबत में फंसती है, उस स्त्री की मदद करना व्यर्थ है। चाणक्य के अनुसार अगर आप ऐसी स्त्री की मदद करते हैं तो आप खुद किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ऐसी स्त्री का बुरा स्वभाव और लक्षण ही उनकी समस्या का कारण है। ऐसी स्त्री से जितनी दूरी बनाएं उतना अच्छा है। इन स्त्री की मदद कभी नहीं करनी चाहिए और ऐसे व्यवहार वाली स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार आपको इनकी मदद कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनकी मदद करते हैं तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। तीसरा, हर समय बिना किसी बड़ी बात के उदास रहने वाला व्यक्ति। अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उससे जितना हो सके दूरी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप इनकी मदद करते हैं तब भी वह व्यक्ति खुश नहीं होगा और उदास ही रहेगा, क्योंकि इनका काम ही उदास रहना है। आप चाहें तो कितनी भी इन व्यक्तियों की मदद करने की कोशिश कर ले, ये कभी भी खुश नहीं रह सकते और ये हमेशा बिना किसी वजह के व्यर्थ ही उदास रहने वाले व्यक्ति होते हैं। आप चाहें तो कितनी भी कोशिश कर लें, इनको आप कभी खुश नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच ही उनकी उदासी का कारण है। यह हमेशा अपनी परिस्थितियों से भागते हैं, कभी भी उनका सामना नहीं करते हैं। आपको इन लोगों की भी मदद नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको चाणक्य द्वारा बताए गए ऐसे तीन व्यक्तियों के बारे में बताया जिनकी मदद आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इनके बारे में हमेशा याद रखें और अगर आपको ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है तो इनकी मदद करने की कभी भी मत सोचिएगा, उल्टा आप ही मुसीबत में पड़ जाएंगे।
सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल अमेज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे दबा दीजिए हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप और चाणक्य जी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी एक वीडियो में। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।